हेलो चैम्स, वेलकम टू दिस वीडियो एंड कंटिन्यूइंग विद आवर वीडियो सीरीज, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हिडन जेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. और यहां बात हो रही है रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में. नाउ इतना बड़ा चैप्टर पढ़ते पढ़ते, इतने लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स लर्न करते करते, समटाइम्स वी टेंड टू मिस आउट ऑन द स्मॉल लिटिल पॉइंट्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज एंड ऑल्सो फॉर द होल रिविजन ऑफ द चैप्टर. इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो सीरीज. आई होप आपने प्रीवियस वीडियोज कवर कर लिए. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज Dash focuses on action for the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. तो village economy में जो areas पीछे रह गए हैं, backward रह गए हैं, उन्हीं को develop करने के लिए जो पूरा plan हम बनाते हैं वही है rural development. This is the very definition of rural development जो आपके chapter का नाम भी है. Also हम ये भी पढ़ते हैं कि ये जो टर्म है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है. कॉम्प्रिहेंसिव टर्म मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. सो दिस इज अनदर की वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. तो ये रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, कोशिश करें इसे भी लर्न कर लें. ओके, देन वी हैव नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नाउ दिस वॉज सेटअप इन द ईयर 1982 as an apex body to coordinate the activities of all the institutions which are involved in the rural financing system. Yani jitne bhi institutions hai rural credit ke field mein, un sabhi ki activities ko coordinate karta hai NABARD as an apex body. Then we have the Dash was a harbinger of major changes in the credit system as it led to diversification of portfolio of rural credit towards production oriented lending. इसका आंसर है ग्रीन रेवोल्यूशन. और इसका मतलब क्या है, देखो पहले क्या होता था, फार्मर्स जब लोन लेते थे तो वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, कंजम्पशन पर्पसेस की वजह से, बेटी की शादी करनी है या बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर पे कोई चीज खरीदनी है, यू नो इन चीजों के लिए वो लोन लेते थे कंजम्पशन पर्पस के लिए. बट ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से प्रोडक्शन बढ़ गई क्रॉप्स की, अब फार्मर्स के पास कुछ सरप्लस भी बचता था जो वो मार्केट में सेल कर सकते थे. तो अब जो है वो लोन लेने लगे प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, कि मशीनरी खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना है या फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं. तो क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही थी, फार्मर्स की इनकम थोड़ी अब बेटर हो गई थी, इसलिए अब वो लोन ले रहे थे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. सो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये चेंज आ पाया इन द क्रेडिट सिस्टम. देन वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में. इन्हें माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी कहते हैं. इस पे आप एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके जाओ. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो फीमेल्स है, जो विमेन है, उनको इजी लोन मिल जाता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि लोन मिल रहा है विमेन को इजी वे में, तो दैट वुड बी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. एक नोट जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे इस टॉपिक पर. देन इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज. ये हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाले टॉपिक में पढ़ते हैं. देन तन्वा, ये बॉक्स में गिवन है, जस्ट थोड़ा सा बस इसके बारे में पढ़ लीजिए. तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, जस्ट गिव इट अ रीड. ओके, देन उसके बाद टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी. तो जो आपके अदर नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें हम पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एंड अदर सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस, तो उसमें जो फिशरीज वाला टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ते हैं, टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी, इफ यू कैन रिमेंबर दिस. देन हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कॉन्ट्रीब्यूट नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड 6% ऑफ द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री. तो हॉर्टिकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपका आ जाता है फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, टिश्यू कल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, राइट. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आप लर्न करें. 1/3 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड 6% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया. देन द पीरियड बिटवीन 1991 टू 2003 इज नोन एज द पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन.
यानी इस समय में क्या हुआ था, हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छी आउटपुट हो रही थी, इट बिकेम हाईली प्रोडक्टिव. सो वी हैव ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके बारे में आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते हो, वी हैव गोल्डन रेवोल्यूशन एंड वी ऑल्सो हैव व्हाइट रेवोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. तो ये पीरियड लर्न करें 1991 to 2003. Then highly remunerative options for women in rural areas, horticulture. तो women से related अगर easy loan की बात हो रही है, यानी self help groups की बात हो रही है, और अगर ये बात हो रही है कि women को अच्छी remunerative मतलब पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं उनको, options की बात हो रही है, तो that is related to horticulture. इससे related एक picture भी आपकी book में है, which I'll show you further in the video. चलो आगे देखते हैं. लाइवस्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड्स अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स. तो लाइवस्टॉक सेक्टर का क्या मतलब, जैसे एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं कि वो एक मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक सिस्टम यूज करते हैं, कि मतलब वो फार्मिंग भी कर रहे हैं साथ में उन्होंने अपने घर पे या फार्म में कुछ एनिमल्स भी रखे हुए हैं, उनकी रियरिंग से भी दे आर एबल टू अर्न सम मनी. सो दैट इज द लाइव स्टॉक सेक्टर. और इसमें देखें तो पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर विद 61% ऑफ द टोटल लाइव स्टॉक इन इंडिया. और बाकी जैसे शीप्स एंड गोट्स, कैटल एंड बफेलोज, उसका भी शेयर है, बट सबसे ज्यादा शेयर है पोल्ट्री का. ठीक है. Okay, then we have Operation Flood, which is called also called White Revolution. It is a system जहाँ पे farmers pool the milk produced according to different gradings and the same is processed and marketed to urban centers through cooperatives. Now, जैसे अगर बात करें अमूल की या वेरका की, which is a cooperative popular in Punjab and Haryana region. तो ये क्या कर रहे हैं कि local जो farmers हैं वो जो भी अपने कैटल से मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसे इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव के पास ले जाते हैं और वो कोऑपरेटिव उसे फिर प्रोसेस करती है और फिर मार्केट भी करती है, जैसे अमूल वेर का एग्जांपल हो गया. सो व्हाइट रेवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट. इसका प्रिसाइज ईयर देखना हो तो दैट इज 1970. I'll repeat, farmers pool the milk produced according to different grading, yani according to different quality. The same is processed and marketed to urban centers through cooperatives. ठीक है? All right. उसके बाद, nationalization of commercial banks took place in which year? या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, India adopted a social banking and multi-agency approach towards rural credit after 1969. तो देखो जैसे बैंकिंग सिस्टम में एक सोशल बैंकिंग अप्रोच लाने की कोशिश की गई, जहां पे हम फार्मर्स को इजी लोन दे रहे हैं, एक थोड़ा सोशल वेलफेयर को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं. एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच, जैसे आप देखते हो रूरल क्रेडिट में वी हैव सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, लाइक वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वी हैव कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाबार्ड. So this is the multi-agency approach. ये हमने adopt की after 1969. तो ये आप year याद रखेंगे. Dash of rural India still lives in abject poverty. कितने percent लोग अभी भी rural India में बहुत severe poverty में जीते हैं. So that is percentage में देखिए तो 25%, वैसे 1/4. So 1/4 of rural India still lives in abject poverty. There is still a need to develop 27,000 rural periodic markets to realize the full potential of rural markets. Agricultural marketing में ये topic है. 27,000 अभी और markets की जरूरत है. Learn करके जाएंगे. Okay, then we have the alternate marketing channels. जैसे farmers अगर directly अपनी produce consumers को sell करते हैं तो उनकी income बढ़ती है. तो इसके लिए there are different farmers markets which are popular. जैसे अपनी मंडी is popular in Punjab, Haryana, Rajasthan, Raithu Bazaars in Pune, Hadaspar Mandi in Andhra Pradesh and Uzavar Sandai in Tamil Nadu. I might not be pronouncing it correctly because this is a Tamil word, but yes, according to what is written in English, Uzavar Sandai. So, ये है farmers की markets. इसके अलावा इसी topic में आप पढ़ते हैं कि various national and multinational food chains, उन्होंने भी farmers के साथ एक contract किया हुआ है, alliance किया हुआ है, जैसे McDonald's, कि आप हमारे लिए ये particular crop grow करो, let's say potatoes. इसके लिए हम आपको input भी देंगे,
हम आपको सीड्स भी प्रोवाइड करेंगे और जो भी आउटपुट होगी वो भी हम आपसे प्रोक्योर करेंगे एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। तो इससे भी फार्मर्स के लिए अच्छा है, उनका भी रिस्क कम हो जाता है। ओके, देन वी हैव देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेटेड है नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, कि जो एग्रीकल्चर है वो पहले इतना ज्यादा ओवरक्राउडेड हो गया है कि फार्मर्स को कुछ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस ढूंढनी पड़ेंगी। तो नॉन फार्म एरियाज को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक डायनेमिक सब सेक्टर है, मतलब जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें बहुत स्कोप है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है। और एक इसमें पार्ट है जिसमें पोटेंशियल तो है बट अभी भी इतना तेजी से ये ग्रो नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर। तो जो डायनेमिक सेक्टर है विच इज ग्रोइंग फास्ट, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? द डायनेमिक सब सेक्टर्स ऑफ द नॉन फार्म सेक्टर्स इंक्लूड डैश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म एटसेट्रा। तो ये आंसर है इसका एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब एग्रो प्रोसेसिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जैसे टी इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉफी इंडस्ट्री, देन वी हैव वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है जिन्हें अपना रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से मिलता है, राइट? और जो एरिया जिसमें पोटेंशियल है बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसमें आ जाता है जैसे पोल्ट्री, जो मिट्टी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्राफ्ट्स और हैंडलूम्स, हाथ से बनी हुई चीजें, राइट? अब आप सोचोगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूरिज्म कैसे हो सकता है? हो सकता है, जैसे लोग ट्यूलिप फार्म्स देखने जाते हैं, विनियर्ड्स देखने जाते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होती है, एप्पल ऑर्किड्स देखने जाते हैं। तो यस, टूरिज्म भी एक सब सेक्टर है नॉन फार्म एरिया में। देन देर आर मेनी रिटेल चेन्स एंड सुपर मार्केट्स विच आर अकॉर्डेड द डैश टू सेल ऑर्गेनिक फूड, सो दैट इज ग्रीन स्टेटस। एक ग्रीन स्टेटस दिया जाता है फिर आप ऑर्गेनिक फूड सेल कर सकते हैं। ऑल राइट, उसके बाद नाउ दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये अभी हम देख चुके हैं। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डेफिनेशन भी आप अच्छे से देख कर जाएंगे। तो फोर मेजर्स हैं, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आगे तीन पॉइंट्स हैं, एक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला पॉइंट, एक बफर स्टॉक जो गवर्नमेंट मेंटेन कर लेती है वीट और राइस का थ्रू FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। सो हियर जैसे मैंने कहा था कि विमेन को इजी लोन मिलता है थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये डेटा आपकी बुक में गिवन है। इफ यू कैन रिमेंबर दिस, बाय May 2019 नियरली 6 crore विमेन इन इंडिया हैव बिकम मेंबर ऑफ 54 lakh सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली होता क्या है कि कुछ लोग आपस में ही अपनी सेविंग्स इकट्ठा करते हैं जिससे कॉर्पस ऑफ फंड बन जाता है और उस पूल से आपस में ही लोन देते हैं एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी क्रेडिट। और एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है, उन्हें बैंक से भी लोन्स मिल जाते हैं आसानी से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। तो गांव के जो लोग हैं ना वो अभी भी कमर्शियल बैंक्स वगैरह से लोन लेना प्रेफर नहीं करते क्योंकि एक तो कोलेट्रल देना पड़ता है और हर गांव में कमर्शियल बैंक की ब्रांच भी नहीं है, तो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। सो ये भी एक वर्ड, एक लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, यानी जो फॉर्मल सिस्टम में कमियां रह गई हैं कि वो पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पाए रूरल लोगों के बीच में, उस कमी को पूरा करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो नोट प्रिपेयर करके जाएंगे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1904 व्हिच प्लेड अ मेजर रोल इन शिफ्टिंग द रोल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट। जैसे इनफॉर्मल सेक्टर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है लोन लेने के, कि आपने अपने फ्रेंड से लोन ले लिया, रिलेटिव से लोन ले लिया, मनी लेंडर से लोन ले लिया, ट्रेडर से या एजेंट से लोन ले लिया, वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल।
बट देर इज अ फॉर्मल सेक्टर जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, जैसे नबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन द रूरल एरियाज. इंडिया हैड अबाउट 303 मिलियन कैटल इंक्लूडिंग 110 मिलियन बफलोज इन 2019. सो 303 मिलियन कैटल है, उसमें से 110 बफलोज है, तो बाकी काउज है. राइट, देन की इश्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रुकावटें आ रही हैं अभी भी जब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, या हमारा फोकस किन एरियाज पे है. सो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकैलिटी. हर पॉइंट के अंदर आपको 2 से 3 लाइंस भी प्रिपेयर करके जानी है. देन दिस पिक्चर इज गिवन इन योर बुक. Women in rural households take up beekeeping as an entrepreneurial activity, and this is actually a part of horticulture. चलिए आगे देखते हैं. Then SAGY, Sansad Adarsh Gram Yojana. Now this was a scheme started in the year 2014. Sansad is the Hindi word used for member of parliament. Adarsh yani ideal, model. Gram मतलब विलेज और योजना मतलब स्कीम. तो यहाँ पे क्या था, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा गया कि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक विलेज को पिक करना है और उसे अडॉप्ट करना है, उसे एक मॉडल विलेज बनाना है, आदर्श ग्राम बनाना है उसे. और वो जो विलेज है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का खुद का या उनके स्पाउस का विलेज नहीं होना चाहिए. So this is an important scheme was implemented in the year 2014. ठीक है, तो ये भी आप देखकर जाएंगे. वैसे आप अपनी नॉलेज के लिए देखो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, उसमें से उन्होंने अभी तक कितने विलेजेस को इस स्कीम के अंडर अडॉप्ट किया है, और अभी फिलहाल जो विलेज उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है एट द मोमेंट अंडर दिस स्कीम वो कौन सा है. ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए आप देखें. देन कुडम श्री पुअर विमेन्स बैंक, इसके बारे में भी देख कर जाए, जस्ट रीड इट, बॉक्स में गिवन है. दिस वॉज इन केरला. ओके, देन डाइवर्सिफिकेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, टूवर्ड्स न्यू एरियाज इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ टू रीजंस. वन, एक तो एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, so to reduce the risk from agriculture sector, and two, to provide productive sustainable livelihood options to rural people. तो ये दो reasons है why diversification is necessary or important. Then DASH is a whole system of farming that restores, maintains and enhances the ecological balance. Definitely organic farming important topic है, easy topic है. ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ पे केमिकल्स यूज नहीं होते, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो फॉर आर बॉडी, बिकॉज इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होती है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द रोल ऑफ आईटी इन रूरल डेवलपमेंट. इससे रिलेटेड भी एक टॉपिक आपकी बुक में, वो भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे. इट हेल्प्स इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, इट डेसिमिनेट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. द आंसर इज All of the above, यानी आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रूरल डेवलपमेंट में. देन दिस इज द समरी, जो आपके नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें आप चार चीजें पढ़ के जाएंगे. एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और अदर ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस. और इसी में हम वो आईटी के बारे में पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फिशरीज में आप पढ़ोगे कि 65% ऑफ फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द इनलैंड सोर्सेस एंड 35% कम्स फ्रॉम द मरीन सोर्सेस, मतलब सी, ओशंस. देन आप पढ़ेंगे कि जो विमेन है वो एक्टिव फिशिंग में तो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बट मार्केटिंग में इन्वॉल्व है. सो 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग वो विमेन है, and 40% of the workforce in internal marketing wo women hai.
ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया था दैट टोटल फिश प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री, राइट? सो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, इफ इट डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप। बाकी सभी चैप्टर्स के हिडन जेम्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।